अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम फुट के बोन्स के हवाले से बात करेंगे, फुट में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फिर फैलेंजेस। जिस तरीके से हैंड में पाए जाने वाली बोन्स कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस थी, इस तरह से इसमें टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस होती हैं। इसमें मेटाटार्सल्स जो बोन्स पाई जाती हैं उनकी क्वांटिटी 7 होती है और कार्पल्स आपको मालूम है कि वो 8 इन नंबर्स थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बोन जो है वो कैल्केनियम, ठीक है, जिसको हम हील बोन भी कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर टैलस, उसके सामने बिल्कुल सामने नेविकुला, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 3 क्यूनिफॉर्म्स और 1 क्यूबॉइड। तो ये सारी बोन्स यहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मेटाटार्सल्स और फिर 14 फैलेंजेस, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फैलेंजेस पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी बोन्स किस साइड पे पाई जा रही हैं। अगर हम देखें तो ये हमारा लेटरल मैलुलस ऑफ फिब्यूला बोन है, और इसी तरीके से मीडियल मैलुलस ऑफ टिबिया पाई जाती है। तो अगर हम देखें नीचे की तरफ कैल्केनियम, फिर उसके बाद टैलस के साथ आपका जो टिबिया है और फिब्यूला, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं। इस तरह से ये सामने की तरफ मीडियल साइड पे नेविकुलर होगा और लेटरल साइड पे क्यूबॉइड होगा। तो कैल्केनियम क्यूबॉइड और टैलस नेविकुलर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 क्यूनिफॉर्म्स, यानी मीडियल साइड पे तो मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म, इस तरीके से। और बाकी ये जितने भी बोन्स हैं ये मेटाटार्सल्स हैं और 14 फैलेंजेस हैं, 1, 2। जिस तरीके से हमारे थम में 2 फैलेंग्स थे, इसी तरीके से हमारे बिग टो में भी 2 फैलेंजल बोन्स होती हैं। बाकी सब जितने भी टोज हैं हमारी, रिमेनिंग टोज जो 4, उनमें 3 फैलेंजल बोन्स पाई जाती हैं। ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें कि हम बोन्स के हवाले से बात कर रहे थे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं आर्चेस के हवाले से और यहाँ पर मसल्स के अटैचमेंट्स के हवाले से। तो फिर इंशाल्लाह एक तफसील से वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।